सुप्रभात बच्चों, पिछली बार हमने बारहसिंगा की कहानी देखी थी। इस बार हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। हमारे पुस्तक वर्तिका में व्याकरण का पाठ भाषा यह हम सीखेंगे। मैं आपसे किस माध्यम के जरिए बात कर रही हूँ ठीक पहचाना? मोबाइल के द्वारा। मोबाइल से मैं मेरे मन के विचार आपके सामने प्रकट करती हूँ और आप इसे समझ लेते हैं। ऐसे कई माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और समझ लेते हैं, जैसे अखबार, टीवी आदि। हमारे देश में कई भाषा का उपयोग होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, तमिल आदि, जिससे हम हमारे विचारों को प्रकट करते हैं और समझ लेते हैं। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी एक भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, इसे राजभाषा भी कहते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है। यह चित्र देखिए, इसमें मीना क्या कहती है, मेरे को कविता लिखना है। लेकिन यह वाक्य गलत है, सही वाक्य है मुझे कविता लिखना है। अब ये चित्र देखिए, अंकिता अपनी माँ को पत्र लिख रही है और माँ पढ़कर समझ ले रही है। अंकिता अपने मन के विचारों को प्रकट करती है और माँ पत्र पढ़कर समझ लेती है। मोनो गाना गा रहा है, पिताजी कहानी पढ़ रहे हैं। इन सब चित्रों से हमको ये समझ में आता है कि मन के विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। क्या है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। हम दूसरों के विचार को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। पहला कहकर यानी बोलकर और सुनकर, दूसरा लिखकर और पढ़कर। तो बच्चों, आपको समझ में आया भाषा क्या है? अभी देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ये चित्र देखिए, ये चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात करना यानी मुख से अपने विचारों को प्रकट करना, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। ये चित्र में देखिए, शिक्षिका फलक पर लिख रही है। लिखित भाषा की परिभाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी इशारों से प्रकट करना। अब ये चित्र देखिए, ये चित्र में ट्रैफिक पुलिस, जो कि हम वाहतूक पुलिस बोलते हैं, वो अपने हाथों से इशारा करके वाहनों को रुकने के लिए या जाने के लिए कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये हो गए भाषा के तीनों प्रकार। मैं आशा करती हूँ
आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।